अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर फाइव चैप्टर नंबर थ्री प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज का ठीक है इससे पहले हम पब्लिक वाले को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंप्लीट है इसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था स्टाटूटरी कॉरपोरेशन कंप्लीट है और थर्ड हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको बहुत अच्छे से देख लेना नेक्स्ट है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बिफोर नाइनटीन एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना ये पूरे वाले पार्ट में मैं ये वाले पॉइंट्स पढ़ाऊंगा पांच पॉइंट्स हैं जैसे ये डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पहला पॉइंट है ऐसे फाइव पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है आएगा तो ये सिक्स मार्क्स का सीधा-सीधा क्वेश्चन आएगा आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन गिवन है तो इसको बहुत अच्छे से समझना एक-एक पॉइंट को अच्छे से समझना है यहां पे ठीक है पहला है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर आपको पता चल गया ना कौन कौन सा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो गया और गवर्नमेंट कंपनीज इसका क्या रोल था सॉरी गवर्नमेंट कंपनीज इसका क्या रोल था 1991 से पहले इसका क्या रोल था बिफोर का मतलब पहले डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कॉम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट एनर्जी सप्लाई एंड बैंकिंग आर द बेसिक प्री रिक्विजाइट ऑफ प्री रिक्विज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्री को अगर आपको डेवलप करना है इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो क्या क्या ठीक करो कम्युनिकेशन ठीक करो ट्रांसपोर्ट एनर्जी सप्लाई और क्या बैंकिंग और भी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं इसको वो करने के लिए बट ये बेसिक चीजें थी जो आपको ठीक करनी पड़ेगी द प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट शो एनी इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इनिश कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए देखो सीधी सी बात है प्राइवेट सेक्टर को आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हो जहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो यहाँ पे जब ये सब चीज़ें नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था तो वो इन्वेस्ट नहीं करते थे अरे develop it in any manner, as they did not have trained personnel or finances to immediately establish heavy industries, which was a requirement of the economy देखो, economic हो ना चलाने के लिए ना आपको heavy industries चाहिए होती है, जो बहुत अच्छे से क्या करे, बहुत अच्छा production करे प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा मतलब आपको ज्यादा सामान बनाना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा चाहिए होगा लोग ज्यादा चाहिए होंगे एम्प्लॉयमेंट होगा तो अनएंप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी ठीक है जिससे पॉवर्टी हमारी कम होनी शुरू हो जाती है पॉवर्टी मतलब गरीबी वगैरह वो भी कम होनी शुरू होगी जिससे क्या होगा इकोनॉमी बढ़ेगी और इकोनॉमी की ये रिक्वायरमेंट थी कि हैवी इंडस्ट्रीज को लगाओ जिससे हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम सुधरेगी हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी बट जो प्राइवेट सेक्टर था वो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता था हैवी इंडस्ट्रीज में क्यों नहीं करना चाहता था क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पे एग्जिस्ट करती थी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट ये सब चीजें थी Therefore, it was only the private sector. अब खुद सोचो जब public sector इन सब चीजों में नहीं, मतलब नहीं करना चाहता और यह सब चीजें एक economy के लिए बहुत जरूरी है तो यहां पर private sector को interfere करना पड़ा और उन लोगों को huge amount यहां पर invest करना पड़ा Hence, this sector was assigned the role of developing infrastructure. मतलब यह था एक heavy industry चाहिए पहला point हमने क्या देखा ध्यान से सुनना एक हैवी सॉरी एक हमें इकोनॉमी बढ़ानी है इकोनॉमी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमें हैवी इंडस्ट्री चाहिए हैवी इंडस्ट्री के अंदर मुझे उसके लिए कुछ चीजें ठीक करनी पड़ेंगी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे ठीक करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये ये पॉइंट्स मुझे ठीक करने हैं ये ठीक करने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है मतलब मुझे बहुत अमाउंट में पैसे चाहिए फंड्स चाहिए जो कि मुझे प्राइवेट सेक्टर नहीं दे रहा था तो मुझे वो प्राइवेट सेक्टर नहीं दे रहा था तो पब्लिक सेक्टर ने वहां पर आके वो पैसा दिया और यहां पर हमारा पहला पॉइंट फिनिश हो गया कि पब्लिक सेक्टर ने डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे मदद करी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा था दूसरा पॉइंट देखो मेंटेनिंग रीजनल बैलेंसेज क्या है इसका मतलब ड्यूरिंग द नाइनटीन सिक्सटीज एंड सेवेंटीज इंडिया फेस्ड एक्यूट रीजनल डिस्पेरिटीज इन डेवलपमेंट सम रीजन्स वर कंपेरिटिवली मच बेटर डेवलप्ड देन अदर रीजन्स ये आज को भी आज भी देखने को मिलता है बहुत सारे रीजन इंडिया में ऐसे हैं जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं बट कुछ रीजन आज भी ऐसे हैं जो बहुत कम डेवलप हुए हैं बट 1960-70 में तो और बुरा हाल था जहां पे और ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती थी कि कुछ हमारी सिटीज हैं 1960-70 की बात कर रहा हूं वो इतनी डेवलप्ड थी मतलब उस अकॉर्डिंग वो ज्यादा डेवलप्ड थी लेकिन कुछ सिटीज ऐसी भी थी जो डेवलप के नाम पे कुछ भी उनको पता ही नहीं था वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं थे तो ये सारी चीजें कैसे खत्म हुई अब कैसे इन सबको बैलेंस करोगे आप ऑब्वियस बात है जो सिटी डेवलप नहीं है उसके ऊपर ह्यूज अमाउंट लगाओ और उसको डेवलप करो ह्यूज अमाउंट uh, लगाओ मतलब ह्यूज फंड्स की जरूरत होगी ठीक है ह्यूज फंड्स की जरूरत लगाओ और उसको भी डेवलप करने में मदद करो तो ये किसने किया अब वापस से वही बात आई प्राइवेट सेक्टर तो पीछे हट गया कि हम तो करेंगे नहीं तो पब्लिक सेक्टर को बीच में आना पड़ा और उन्होंने इसको क्या किया ह्यूज फंड्स लगा के मदद किया जिससे हमने इसको डेवलप किया देखो द रीजनल डिस्पेरिटीज इम्पेंडेड द नेशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट रीजनल बैलेंस PSE पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को आना पड़ा एंड रूरल एरिया मतलब ये देखो बहुत सिंपल चीजें चल रही हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा और जो मुझे करना था वो सारी चीजें पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथों में लिया बैकवर्ड एरिया और रूरल एरिया वो एरिया होता है जो अंडर डेवलप्ड है जिनको पता ही नहीं है उनको रोड नहीं पता उन्होंने रोड्स नहीं देखे ऐसी भी जगह आज भी एग्जिस्ट करती हैं आज भी कुछ ऐसे आपको विलेजेस वगैरह मिल जाएंगे यहाँ रोड्स नाम की चीज ही नहीं है तो ये सब चीजें उस टाइम पे और भी ज्यादा थी तो यहां पे इन लोगों को भी एक में देखो हर जगह पे एक बैलेंस होना चाहिए ठीक है एक कंट्री है आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप अगर दिल्ली में खड़े हो तो एक अलग जगह आ गए लेकिन आप थोड़ी सी आगे किसी विलेज में पहुंच गए तो आपको लगे कि हम तो ऐसी जगह आ गए यहां पे तो डेवलपमेंट के नाम पर कुछ है ही नहीं ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए इसीलिए क्या किया जाता है एक रीजनल बैलेंस बनाने के लिए आपको दिल्ली के अंदर इन्वेस्टमेंट तो सारे प्राइवेट सेक्टर कर ही रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई भी एक बैकवर्ड एरिया विलेज या रूरल एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो यहां पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को आना पड़ता है और वो लोग आके यहां पे क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी एक पब्लिक सेक्टर का रोल है ठीक है दीज पीएसईज नॉट ओनली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ये इंप्लॉयमेंट नहीं मतलब इंप्लॉयमेंट के अलावा ये क्या क्या देता है ये एनकरेज करता है और इंडस्ट्रीज को कि बैंकिंग ट्रांसपोर्ट वहां पे लेके जाओ अब देखो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आएगा बहुत पैसा लगाएगा ऐसे बैकवर्ड एरिया में तो वहां पे और प्राइवेट वाले भी एनकरेज होते हैं कि चलो यार हम भी कुछ पैसा लगाते हैं क्योंकि पब्लिक सेक्टर लगा रहा है और पब्लिक सेक्टर कमाएगा तो हम भी कमा लेंगे ठीक है तो ये वाला एक दूसरा रोल था क्या था मेंटेनिंग रीजनल बैलेंस पब्लिक सेक्टर का तीसरा रोल देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये तीसरा रोल था पब्लिक सेक्टर का लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सच एज and गैस एंड पेट्रोलियम of scale. Benefits derived फ्रॉम देम आर ग्रेटर when ऑपरेटेड ऑन अ लार्ज स्केल मतलब ये अगर आपको नेचुरल गैस निकालना है या पेट्रोलियम निकालना है जमीन के नीचे से अगर आप उसको छोटे लेवल पे करना चाहते हो मतलब जितना स्मॉल लेवल पे होगा उतना आपको कम प्रॉफिट होगा और जितना वो बिग लेवल पे होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा सिंपल सी चीज समझो अगर मैं आज सिर्फ एक बर्गर घर में बनाना चाहता हूं या कोई एक या दो बर्गर बना के बेचना चाहता है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी वही मैं अगर थाउजेंड बर्गर बनाने की सोचूं और बेचने की सोचूं तो वहां पे मेरे पैसे ज्यादा बचने शुरू हो जाएंगे सेम चीज मेरी यहां पे अप्लाई हो जाती है कि अगर आपको पेट्रोलियम या नेचुरल गैस डिराइव करनी है हमारे अर्थ के अंदर से तो आपको क्या करना पड़ेगा बहुत ज्यादा अमाउंट लगाओगे तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हो जाएंगे ठीक है इन द ईयर जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट बिग इनफ टू ऑपरेट दीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बिकॉज दे रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बार बार अगर आप नोटिस करोगे तो यही लाइन रिपीट हो रही है क्या कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें इसमें मैंने क्या बोला पेट्रोलियम नेचुरल गैस निकालने के लिए जितना ज्यादा फंड्स होगा जितना बिग फंड्स होंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा बट इतना सारा फंड्स प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था उस टाइम पे और अगर होता भी तो वो यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करते क्योंकि मैंने क्या बोला कोई भी प्राइवेट इंसान किधर इन्वेस्ट करता है जहाँ से उसको रिटर्न आने के और अच्छे रिटर्न आना चाहता है मतलब अच्छे रिटर्न उसको चाहिए तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें किसने करी ये सारी चीजें करी फिर हमारी पब्लिक सेक्टर ने यहां पे आया और उसने यहां पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करी और हमारी आज पेट्रोलियम और गैस की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा नेचुरल गैस जो होता है वो इतना ज्यादा ग्रो कर गया ऑपरेटिंग दीस इंडस्ट्रीज ऑन अ स्मॉल स्केल वाज नॉट एन ऑप्शन एज़ दिस वुड हैव कॉज्ड लॉसेस अगर आप सोच रहे हो कि ये वाली इंडस्ट्रीज मतलब पेट्रोल निकालना है ये बहुत बड़ा प्लांट सेटअप करना पड़ेगा आप छोटे लेवल पे स्मॉल स्केल पे करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है और स्मॉल स्केल पे प्राइवेट तो कर लेते बट वो प्रॉफिटेबल नहीं होता तो फायदा नहीं है लॉस होने शुरू हो जाते तो इसको बड़े लेवल पे करने के लिए पैसे ज्यादा चाहिए तो गवर्नमेंट यहां पे आया मतलब पब्लिक सेक्टर आया उसने ये सारे काम को ह्यूज लेवल पे किया बहुत सारा अमाउंट को इन्वेस्ट किया और आज प्रॉफिट कमा लिया हेंस द पब्लिक सेक्टर वॉज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड ऑपरेट दीज इंडस्ट्रीज मतलब इन तीन रीजन की वजह से पब्लिक सेक्टर को क्या करना पड़ा स्टार्ट और ऑपरेट करना पड़ा इन इंडस्ट्रीज को तो पब्लिक सेक्टर का देख रहे हो आप कितना बड़ा रोल है आपने डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज उन्होंने कराई उन्होंने रीजनल बैलेंसेस को मेंटेन किया और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इन्होंने किया ठीक है और देखो और क्या क्या किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट्स मतलब ये अटेनिंग सेल्फ सफिशियंसी वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग पहले मैं पूरा रीड करता हूं फिर आपको शॉर्ट में समझा दूंगा इजी ठीक है द एम वाज टू रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स एंड एट द सेम टाइम मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट दी एस सीजैब्लिश पी एस सी का मतलब आपको पता है ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो हमने पीछे पढ़ा था वर एस्टेब्लिश टू मैन्युफैक्चर हैवी मशीनरी एंड इंजीनियरिंग गुड्स डोमेस्टिकली विच वु रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट साइमल्टेनियसली विद ऑफ एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स पी एस ईज सच एज द मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर एस्टलिश सिंपल सी चीज बताऊं तो ये देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो नाम की चीज होती है बड़े ध्यान से देखना इंपोर्ट का मतलब होता है इंपोर्ट का मतलब क्या होता है इंडिया में बाहर से सामान को लाना मतलब परचेज करना परचेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इसको मैं बोलूंगा इंपोर्ट ठीक है आपको समझ में आ गया परचेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया दूसरी चीज होती है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है सेल सेल टू आउटसाइड इंडिया या सेल इन आउटसाइड मतलब आपने बाहर सामान बेचा इंडिया के बाहर बेचा तो मैं बोलूंगा मैंने एक्सपोर्ट किया और अगर मैंने बाहर से सामान खरीदा इंडिया के बाहर से तो मैं बोलूंगा मैंने इंपोर्ट किया तो अब आपको एक चीज पता है आप खुद सोचो मनी कब मिलता है मनी हमें कब मिलता है और हमसे कब जाता है आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो आपको पता है इंपोर्ट करोगे परचेज करोगे तो हमारे पास से फंड्स जाएंगे फंड्स और कम होंगे सामान जितना खरीदते हैं फंड्स और मेरे पास से जाता रहता है और एक्सपोर्ट करेंगे मतलब सेल करेंगे तो फंड्स मेरे पास और आता रहेगा फंड्स और आता रहेगा तो मुझे खुद बताओ एक, एक कोई भी कंट्री हो इंडिया नहीं कोई भी कंट्री हो इंपोर्ट करना फायदे की बात है या एक्सपोर्ट करना फायदे की बात है हर किसी को समझ आ रहा है कि एक्सपोर्ट करना फायदे की बात होती है क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे अपना सामान बाहर बेचेंगे जितना बाहर बेचेंगे उतना बाहर से पैसा आएगा उतना फंड और आता रहेगा जितना और बेचेंगे उतना एक्सपोर्ट और उतने फंड्स और आएंगे तो यह चीज अब यहां पे पढ़ो यह लिखा हुआ है कि क्या किया गया एक टाइम पे द एम टू रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट पीएससी ने क्या किया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने पब्लिक सेक्टर सेक्टर ने क्या किया एक तो इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया मतलब बाहर से सामान खरीदने पर रोक लगाई गई कैसे रोक लगाई गई और मैक्सिमम मैक्सिमाइज प्रॉफिट ये अभी पढ़ेंगे रोक ऐसे लगाई बाहर से सामान कोई कब खरीदेगा मैं इंडिया से बाहर सामान क्यों खरीद रहा हूं क्योंकि वो इंडिया में नहीं बन रहा सिंपल है ना इंडिया के बाहर से सामान आप क्यों खरीद रहे हो क्योंकि वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो पीएससी ने क्या किया पब्लिक सेक्टर ने ये किया कि वो चीजें इंडिया में खुद बनानी शुरू कर दी कि बाहर से ना खरीदना पड़े क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट कि ये कैसे हुआ और उसी टाइम ये भी किया कि अपने एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बाहर करो मैक्सिमाइज करो वो कैसे किया वो भी ऐसे किया कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन और बनाई देखो फैक्ट्री ज्यादा लगाई जो चीज बाहर से मंगा रहे थे उसको रोकने के लिए फैक्ट्री ज्यादा लगाई खुद बनाना शुरू कर दिया इंडिया में और जो चीज हम ऑलरेडी बना रहे थे वो चीज इंडिया के लिए बना रहे थे तो इंडिया और ज्यादा बनाया जिससे क्या हुआ उसको हम बाहर भी बेच पाए इंडिया के बाहर भी बेच पाए तो सिंपल सा क्या हुआ जब हमने इंपोर्ट को कम किया तो फंड्स मेरे पास बच गए इंपोर्ट को कम किया तो फंड्स मेरे पास बच गए मतलब और बच गए ज्यादा हो गए और जब एक्सपोर्ट बाहर ज्यादा किया तो भी फंड मेरे पास ज्यादा हो गए तो सिंपल सी बात है जब फंड्स मेरे पास होंगे पैसे ज्यादा होंगे तो मैं और अच्छे से अपना काम कर पाऊंगा बहुत अच्छा और बहुत सिंपल अच्छा बोलूंगा मैं और बहुत सिंपल पॉइंट था क्या था ध्यान से पढ़ो हेडिंग में इंपोर्ट का सब्सटीड्यूशन मतलब इंपोर्ट की जगह क्या करो बाहर से खरीदने की बजाय क्या करो खुद बनाना शुरू कर दो और एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना शुरू कर दो एक्सपोर्ट ज्यादा करना शुरू कर दो हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा पैसा ज्यादा आएगा तो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी ठीक है तो पब्लिक सेक्टर ने यह वाला काम भी किया और देखो और क्या किया चेक ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर द पब्लिक सेक्टर एक्ट एज अ चेक ओवर द प्राइवेट सेक्टर इन द प्राइवेट सेक्टर ओनली फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेज हु टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज ड्यू टू दिस वेल्थ गेट्स इन फ्यू हैंड्स मतलब ये है आप देखोगे तो कुछ कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी जो हैवी इंडस्ट्रीज में लगाना चाहती थी पैसे ठीक है देखो सिंपल सी बात है आपको पता है मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं प्राइवेट सेक्टर जो था या कोई भी प्राइवेट इंसान होगा वो देखता है अपना प्रॉफिट और हैवी इंडस्ट्रीज में क्या होता है बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में पैसे बहुत लगते हैं स्टार्टिंग में और प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत ओवर द पीरियड होते हैं मतलब एकदम से नहीं आता आपको कुछ टाइम में पैसे आने शुरू होते हैं तो इसीलिए कोई इसमें पैसे लगाना नहीं चाहता तो ये सारे पैसे लगाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई प्राइवेट सेक्टर की आ गई ठीक है This gives गिव give rise to inequalities in income therefore the public sector is able to set large industries which require heavy investment matlab मतलब सिंपल सी बात बोल hai wo वो बार बार कि sector aaya आया उसने लार्ज हैवी इन्वेस्टमेंट करी और लार्ज इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया ठीक है लास्ट वाला पॉइंट और देख लो या लास्ट वाला पॉइंट ये वाला फिनिश हो चुका है ठीक है एक चीज इसके अंदर मेरी बात समझ लेना वो ये यहाँ पे फाइव पॉइंट है फाइव के फाइव आपको ये याद होना चाहिए आपको अंदर जो भी ऊपर लिखा है आप उससे खुद बना के लिख सकते हो डेफिनेटली लिख सकते हो बट रिलेटेड होना चाहिए जैसे मैं बताऊं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यही बात लिखोगे कि हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी हमारे पास थी नहीं प्राइवेट सेक्टर ने किया नहीं तो पब्लिक सेक्टर ने आके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से बनाया आप ये लिख दोगे चल जाएगा बट ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है ये सारा वाइट से जो लिखा है आपको लेकिन जो हेडिंग है वो लर्न डेफिनेटली करनी है एज इट इज ठीक है सेकंड वाले में आप मेंटेनिंग रीजनल बैलेंसेस आप लिखोगे रीजनल बैलेंसेस नहीं थे पब्लिक सेक्टर ने आके बैकवर्ड और रूरल एरियाज पे काम किया और उसको मेंटेन कर दिया बैलेंस को फिर आप लिखोगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहां पर भी आप ये सेम चीज लिखोगे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए था ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए थी जो प्राइवेट सेक्टर ने नहीं करी तो पब्लिक सेक्टर को इंटरफेयर करके करना पड़ा ये चीजें और यहां पे ये चीज होती है ठीक है आप ये चीज़ लिखोगे, फिर आप लास्ट वाला नहीं फिर लिखोगे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट मैक्सिमाइजेशन भी लिख सकते हो उसके आगे तो इसमें आप ये लिखोगे ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको बस ये लिखना है कि हमारे पब्लिक सेक्टर ने क्या किया इंपोर्ट का सबस्टिट्यूशन निकाला कैसे और अपना यहां पर डेवलपमेंट करनी शुरू करी और प्रोडक्शन करनी शुरू करी और एक्सपोर्ट में आप क्या लिखोगे और प्रोडक्शन करनी शुरू करी ताकि इंडिया में वो इतना ज्यादा सामान बन जाए कि हम उसको दुनिया के बाहर मतलब इंडिया के बाहर बेच सके और हमारे पास पैसे और ज्यादा आ सकें और लास्ट पॉइंट आप एज इट इज लिखोगे चेक ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर जिसमें आप फिर दोबारा यही चीज लिखोगे कि हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी हैवी इंडस्ट्रीज के लिए जो हमारे प्राइवेट सेक्टर ने नहीं कर पा रहा था तो हमारे पब्लिक सेक्टर ने आके किया और पब्लिक सेक्टर का ये पॉइंट में रोल था 1991 से पहले का ठीक है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है एक बार ये सब चीजें देख लो इसके बाद प्राइवेट सेक्टर का हमारा हमारे पास इतनी वो नहीं थी अवेलेबिलिटी नहीं थी हमारे पब्लिक सेक्टर ने आके एक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 1991 के बाद ये फाइव पॉइंट्स किए थे आपको फाइव के फाइव लर्न होने चाहिए यहां पे हमारा पार्ट नंबर फाइव पूरा फिनिश हो गया इसके बाद हम पार्ट नंबर सिक्स को स्टार्ट करेंगे फिर सेवन एट और नाइन वहां पर चैप्टर हो जाएगा ओवर